हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम आपका चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन नाम से जिसको जानते हो, इसमें आपके डायमेंशन पर बेस्ड, डायमेंशन से रिलेटेड डियर फ्रेंड्स आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर, और आपके होम एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, डायमेंशन जो है, डायमेंशन में जितने भी आपके होमोजेनिटी प्रिंसिपल था और इक्वेशन जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी या होमोजेनिटी इक्वेशन इसी को कहते हैं, और इंडिविजुअल किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन में कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो है या किसी कॉन्स्टेंट्स के हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स हम सभी कॉन्सेप्ट आपके आपके चैप्टर के क्लियर कर चुके हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं किसी लेक्चर में कहीं कोई डाउट आता है उसको आप हमसे बाई कमेंट शेयर कर सकते हैं, जैसा कि हमने मेनी टाइम्स बता रखा है आपको। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग केवल मेथड और रूल सीखेंगे वीडियो लेक्चर से, यहाँ पर सोल्यूशन देख करके हमारे आप लोग केवल यहाँ से रूल सीखेंगे, और क्वेश्चन जो है आप अपनी हेल्पिंग बुक्स से, मेनी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बुक्स में, एक्सरसाइजेस में गिवन होंगे, आप सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स आप अपने बुक्स के अपने आप से प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हों, जितने भी जो भी कोई एग्जाम, कोई होम पेपर, कोई भी आपका सैंपल पेपर हो, कोई आपका होम एग्जाम का पेपर हो या कंपटीशन एग्जाम का पेपर हो, उसमें डियर स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिले उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका रूल्स क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आपका टाइम टेकन जो होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो भी आपका बहुत कम होगा, बहुत रिड्यूस होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपके चैप्टर 3 में हम एंट्री करते हैं, और चैप्टर 3 है आपका वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। या भी डियर स्टूडेंट्स, आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपका चाहे होम एग्जाम हो, ठीक है, इसमें भी आपके इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, हम बिल्कुल बेसिक से आपको वेक्टर के बारे में आज बताएंगे। और वेक्टर जो है डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग वन टाइम्स पढ़ भी रखा होगा आपने पिछले क्लासेस में, तो वेक्टर यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वेक्टर और स्केलर सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ या तो आपकी वेक्टर होंगी और या स्केलर होंगी, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, हम किन क्वांटिटीज़ को वेक्टर में, वेक्टर के फॉर्म में बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, और किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर बोलते हैं, आइए हम इसको थोड़ा सा जानते हैं। और आई होप डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग पढ़ रखा है आप लोगों ने कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है स्केलर की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जिसमें जो है मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग डेंसिटी, मास, और ये आपका वर्क हो गया, पावर हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या हो गए आपके वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बहुत बेसिक से, बेस से वेक्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, और यहाँ से आप, आज से आप नई डिफिनीशन याद रखेंगे वेक्टर और स्केलर की, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स हमारा वेक्टर। सबसे पहले हम स्केलर समझते हैं, इसके बाद वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका हो गया डेंसिटी, हो गया मास, हो गया, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इन सब को हम, इन सब क्वांटिटीज को, डेंसिटी हो गया, मास हो गया आपका, और टाइम हो गया आपका, आपका डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज हैं, और इन सब के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इन सब के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इनमें डायरेक्शन नहीं प्रेजेंट होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इन क्वांटिटीज को हम ऐसे ही अलजेब्रिक रूल्स पर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी जो रूल्स हमने पढ़ रखे हैं अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में,
उसी रूल्स के अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इन केस आप वेक्टर हम देखेंगे, और यहाँ पर स्केलर की डिफिनीशन डियर फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, जिनमें क्या हो, जिन फिजिकल क्वांटिटीज में केवल और केवल आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ना प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इनको हम इनके एडिशन, इनके सब्सट्रैक्शन, इनके मल्टीप्लिकेशन या इनके डिवीजन जो है, हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी जो बेसिक रूल मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में हमने पढ़ रखा है, उन्हीं रूल्स पर इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, स्केलर क्वांटिटीज हो गई। स्केलर क्वांटिटीज में डियर स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे आपका मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स टाइम हो गया आपका, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, है ना, यहाँ से पावर वर्क हो गया, पावर हो गया, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यहाँ पर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख दिए हैं एज एग्जांपल, ये सब क्या है, ये सब डियर स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इन सबको आप डायरेक्टली जो मैथ्स का रूल है अलजेब्रा का, उन पर आप इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वेक्टर में, जैसा कि वेक्टर की डिफिनीशन भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, अगर आपने डिफिनीशन केवल इतना ही पढ़ा है कि वह क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, देन वी कॉल्ड इट इज अ वेक्टर, इट इज नॉट अ कंप्लीट डिफिनीशन डियर स्टूडेंट्स। यह कंप्लीट डिफिनीशन आपकी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो करंट जो है आपका क्या है, करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें अगर केवल डायरेक्शन से हम कह सकें कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, तब तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। करंट में डायरेक्शन होता है ना, हम सब जानते हैं करंट में डायरेक्शन होता है, फिर भी स्केलर हम इसको बोल रहे हैं। स्केलर क्यों बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका कुछ रीजन है, यह रीजन हम वेक्टर की डिफिनीशन पढ़ने के बाद देंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स वेक्टर की डिफिनीशन हम क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। वेक्टर की डिफिनीशन डियर स्टूडेंट्स वह होता है कि जैसे हमने बहुत सारी मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया, ठीक है, हमने बहुत सारे मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो सम आया हमारे पास, मैग्नीट्यूड्स का जो सम आया, जो एडिशन आया, उसमें भी डायरेक्शन हो डियर स्टूडेंट्स, उसमें भी डायरेक्शन हो, तब अगर ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ को अगर ये होल्ड करता है, ओबे करता है, कम्प्लीटली होल्ड करता है, ओबे करता है, तब डियर स्टूडेंट्स को हम वेक्टर कहेंगे, अदरवाइज इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते। डियर स्टूडेंट्स फिर से डिफिनीशन सुनेंगे इसकी, वेक्टर की, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें सभी उन फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड्स का हम सम करें, उसमें हमको एक उनके मैग्नीट्यूड्स का एडिशन मिलेगा, उस एडिशन में डायरेक्शन हो, ठीक है, और साथ साथ डियर स्टूडेंट्स उसमें एडिशन करते समय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ को वो फॉलो करें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर डियर स्टूडेंट्स अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा सैंपल दे देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ डियर स्टूडेंट्स ये होता है, जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर हो, ठीक है, एंगल थीटा पर हो, ये एंगल ए हो, ये एंगल बी हो, ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का सम कुछ यहाँ पैरेललोग्राम शेप से इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाता है वेक्टर ए, ठीक है, या वेक्टर ए है, या आपका वेक्टर ए हो जाता है, या वेक्टर बी है, या आपका वेक्टर बी हो जाता है, इसको हम पैरेललोग्राम शेप में यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये हमको आर की वैल्यू देता है, और आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी आती है, इसको हम अपकमिंग लेक्चर्स में डेरिवेट भी करेंगे। यहाँ से आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू आता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे, डेरिवेट भी करेंगे। यहाँ पर इसको हम सेपरेटली अभी इस टॉपिक को ही पूरा डिस्कस करेंगे और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बताने का पर्पज इसको डेरिवेशंस केवल इतना है कि किन्हीं भी दो वेक्टर के एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यहाँ पर कुछ डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर ऑर्डिनरी जो आप लोग बेसिक रूल जानते हो अलजेब्रा के, उन पर इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इन पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। जो रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी जानते हो यह उनसे कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का डिवीजन अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में सारे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप वेक्टर के डिफिनीशन में हम कंप्लीट डिफिनीशन क्या बोलेंगे कि किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और डियर फ्रेंड्स वह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को, पैरेललोग्राम लॉ को वह फॉलो करे, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को भी वह फॉलो करे डियर फ्रेंड्स, तभी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। आइए हम यहाँ पर करंट के केस में देखते हैं। तो करंट के केस में डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम सपोज करें यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों का मैग्नीट्यूड I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको I माने तो इसमें I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। यह डियर फ्रेंड्स किरचॉफ लॉ भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये जंक्शन पॉइंट है और जंक्शन पॉइंट पर इन दोनों करंट का सम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स करंट में डायरेक्शन तो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका मैग्नीट्यूड्स भी है, इनके मैग्नीट्यूड्स का यहाँ पर डायरेक्शन तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स या अगर वेक्टर होता तो यह एंगल थीटा पर भी डिपेंड होता, ठीक है डियर फ्रेंड्स, यह एंगल थीटा पर भी डिपेंड होता, जैसे कि यहाँ हमने बता रखा है, ठीक है। और बी के बीच का एंगल थीटा भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यह थीटा पर डिपेंड नहीं है, यह थीटा पर हम देख रहे हैं डिपेंड नहीं है। यहाँ पर I1 और I2 का सम हो गया, I1 प्लस I2, अगर इसमें 2 एम्पियर की करंट हो, इसमें 5 एम्पियर की करंट हो, तो यहाँ से हमको कुल 7 एम्पियर की करंट मिलने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको वेक्टर की डिफिनीशन क्लियर हो रही होगी। इसमें डियर फ्रेंड्स आपका कंडीशन है, यहाँ आपका जो पुरानी डिफिनीशन जानते थे वो तो ठीक है, उसके आगे एक छोटी सी और एक लाइन इसमें हम बढ़ा रहे हैं, क्या कि या जो हो फिजिकल क्वांटिटीज जो हो आपकी, जिनको हम ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में यहाँ पर हम वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सीधा सीधा बोलेंगे कि जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर होती हैं, ठीक है, सॉरी स्केलर होती हैं, और जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करती हैं वो हमारी वेक्टर होती हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको वेक्टर और स्केलर क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर करंट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ को या फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमारा करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर और हम इनका एडिशन देख रहे हैं, यहाँ पर करंट का एडिशन देख रहे हैं, यह ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल पर ही इनका एडिशन हो जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए भी यह जो है स्केलर क्वांटिटी हो गई आपकी। अब हम डियर फ्रेंड्स इसमें वेक्टर और स्केलर का आपको डिफिनीशन बता चुके हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम कुछ वेक्टर क्वांटिटीज लिखते हैं, इसको भी आप लोग रिमेंबर रखेंगे। इसमें आपका करंट भी डियर फ्रेंड्स इंक्लूड कर सकते हैं, करंट भी आपका क्या है, करंट भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब डियर फ्रेंड्स वेक्टर हम देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज आपकी जैसे क्या, फोर्स हो गई, ठीक है, फोर्स हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, है ना,
फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, और डियर फ्रेंड्स आपका मोमेंटम हो गया, ठीक है, ईटीसी, इन सब, ये सब क्या है डियर फ्रेंड्स, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, वेक्टर और स्केलर के डिफिनेशन डियर फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स भी आपके फ्रंट में एक्सप्लेन किए हैं। अब हम आगे देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए थोड़ा सा सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और वेक्टर, वेक्टर जैसा कि हम अभी अभी डिफिनेशन में हमने बताया कि इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्शन के पैरेलल में एक स्केल रखेंगे, ठीक है, और उसी के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रा करेंगे और डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर इसका डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन के एंड पॉइंट पर, जैसे हमने कोई लाइन खींचा, ठीक है, जैसे हमने ये कोई एक्स वाई प्लेन ले लिया, ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कोई लाइन खींचा, ठीक है, अब इसमें देखेंगे इस लाइन में दो एंड पॉइंट है हमारे पास, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये, ठीक है, तो यहाँ पर एक एरो हेड लगाएंगे, ठीक है, किसी भी एंड पॉइंट पर एक एरो हेड, तो यहाँ पर ये एरो हेड कर सकते हैं और हम इधर भी एरो हेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इधर अगर हम एरो हेड कर देते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर एरो हेड इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर डायरेक्शन आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंट हो रहा है, किसके किसके द्वारा, इस वाई एरो हेड के द्वारा, ठीक है। आपको डियर स्टूडेंट्स जैसे कि अगर मोमेंटम का डायरेक्शन आपको पता है, मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, तो आप पी, आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ लिखोगे P, ठीक है, ये आपका मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर मोमेंटम का डायरेक्शन आपको यह गिवन था तो आप एरो हेड यहाँ इस इन इसके इन पॉइंट पर, इस लाइन के इन पॉइंट पर एक एरो हेड लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको डियर स्टूडेंट्स दूसरे वर्ड में हेड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हेड पॉइंट बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है, इसको हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं, इसको टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस नाम से भी इसको हम बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं, तो आप लोग इस नाम से भी इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर को नोटेशन में सिंबल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ वेक्टर, डियर स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पर हमने मोमेंटम के लिए देखा, इस पर हम एक एरो लगाते हैं, ठीक है, इस पर, इसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल लेटर के ऊपर एक एरो लगाएंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर ए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर एफ, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ए बी एफ ये सब क्या है, ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, और अगर इनके ऊपर हमने इनके ऊपर में एक एरो लगा दिया तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपके फ्रंट में एक्सप्लेन कर रहे थे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका कुछ एंगल थीटा होगा और थीटा से इसका हम डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप थीटा से इसका इसके थीटा से ही इसका डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, वैल्यू आप थीटा फाइंड आउट करके, वो सब अभी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे जो है थीटा फाइंड आउट करके इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो सब हम अपकमिंग स्टेप्स में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स भी मेनी टाइम्स इसको हम डियर स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो ऑनलाइन लेक्चर में हम केवल और केवल आपको सभी क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और इनके सिम्बल्स क्या हैं और इनकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, और भी कुछ बेसिक्स इसमें भी हम आपको बताने वाले हैं।
तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया आपका सिंबलर वेक्टर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर ड्रा करना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन हमको पता ही रहेगा, ठीक है। उसकी उसी के डायरेक्शन में हम एक स्केल रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे और उसी के डायरेक्शन के अलॉन्ग हम एक एरोहेड लगा देंगे, तो ये आपको बताएगा डायरेक्शन, ठीक है, या उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बताएगा। जैसे हमने इस लाइन में यहाँ पर या इस लाइन पर एरोहेड ऐसे लगा रखा है, तो यह एरोहेड आपका डायरेक्शन ऑफ, अगर यह मोमेंटम था तो यह डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर अगर ए था, इसको अगर हम ए मान लें तो यह ए का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अगर बी मान लेते तो डायरेक्शन ऑफ बी बताता, ठीक है। अगर जैसे हम कोई वेक्टर ऐसे लिख दिए वेक्टर बी, ठीक है, तो यह डायरेक्शन ऑफ बी बता रहा है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ डायरेक्शन ऑफ बी हो सकता है ना, यहाँ पर बी का जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी आपके पास क्वांटिटी है उसका जो भी डायरेक्शन होगा, आप डायरेक्शन के अलॉन्ग एक स्केल रखोगे और उसके डायरेक्शन की ओर, उसके डायरेक्शन की ओर आप एक एरोहेड लगा दोगे, एरोहेड आपका डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन शो करेगा। अब डियर फ्रेंड्स, इस लाइन का जो लाइन आप ड्रा कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्केल, जैसे जैसे हमने ये वेक्टर ड्रा कर रखा है वेक्टर ए, ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर इसकी हम लेंथ मेजर कर लें, हमने सपोज कर लिया इसकी लेंथ 2 मीटर है, अगर इसकी लेंथ 2 मीटर है तो डियर फ्रेंड्स यह इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनेंगे, आज का ये पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है। यहाँ पर जैसे हमने वेक्टर ए, हमने स्केल के हेल्प से जो लाइन खींचा है उसको, उसका मेजरमेंट कर ले डियर फ्रेंड्स कि वह लेंथ उसकी कितनी मीटर है, उसकी लेंथ की लंबाई क्या है, तो वह हमको क्या बताएगा, उसकी जो लेंथ की मेजरमेंट होगी वह वैल्यू डियर फ्रेंड्स उसकी मैग्नीट्यूड कही जाएगी, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो इसको क्या बोलोगे, 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको डियर फ्रेंड्स दूसरे फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं मॉड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को मॉड ऑफ वेक्टर ए भी लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से लेंथ ऑफ, इसको हम फार्मूला लिखना है यहाँ पर लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी, इस लाइन की लेंथ कितनी है, उस लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे, यही क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में 2 इसको सपोज कर रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना कहा जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना मिलेगा, 2, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया, सिंबल ऑफ वेक्टर हो गया, आई होप ये सब आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा वेक्टर्स को यहाँ पर लाइन के एंड पॉइंट पर ही एरोहेड लगाते हैं, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर 5 अपने, ठीक है, हमने सपोज कर लिए इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिर से 5 सेंटीमीटर गए, ठीक है, फिर से 5 सेंटीमीटर गए, जहाँ पर इसका लास्ट एंड होगा डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर इसका लास्ट एंड होगा यहाँ पर हम एरोहेड लगाएंगे, ठीक है, जहाँ पर इसका लास्ट एंड होगा उस लास्ट एंड पर ही हम एरोहेड लगाएंगे, ठीक है। तो एरोहेड आपका डायरेक्शन बताता है और इसकी लेंथ जो है, इस लाइन की लेंथ जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताती है, ठीक है, और इसको हम कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपके कैपिटल लेटर्स के ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, वह आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता है। तो यह सब बेसिक चीज़ें आई होप डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम इसमें कुछ और भी स्टेप्स, आगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये भी है कि आप वेक्टर्स को डिस्प्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, आप वेक्टर को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेस भी कर सकते हो, वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अगर डियर फ्रेंड्स उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ तो वह सेम जो है, यहाँ से हम इसको
सेम जो है इतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरी जगह पे इसका हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू अनचेंज्ड होगी। अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ तो उसकी पोजीशन हम एक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू हम वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर्स का आप डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आप डियर फ्रेंड्स वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हो फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। इसके बाद डियर फ्रेंड्स देखते हैं एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या थ्री वेक्टर्स। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। डियर फ्रेंड्स आप लोग अभी हम आप लोगों के फ्रंट में मेनी एग्जाम्पल्स यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और उन एग्जाम्पल्स के हेल्प से अभी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन के पार्ट में डियर फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे और इनका हम मेनी टाइम्स आगे के न्यूमेरिकल्स में और आगे के क्वेश्चंस या डेरिवेशंस में हम इनका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए डियर फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं एंगल बिटवीन एंगल ऑफ वेक्टर्स। एंगल ऑफ वेक्टर्स में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक बातें थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि आपको कोई दो वेक्टर गिवन हो, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई दो वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कुछ दे दिया जाए आपको, 60 दे दिया जाए या 120 दे दिया जाए, ठीक है, आपका 130 दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए एंड सो ऑन। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि कोई दो वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करो या उनके बीच का एंगल आपको गिवन है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो किन्हीं दो वेक्टर्स को एंगल के फॉर्म में हम लिखते कैसे हैं इसको देखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई दो वेक्टर आपको गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसमें डियर फ्रेंड्स कहा जाए कि आपके पास कोई दो वेक्टर हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ है 120, अगर हम सब कुछ कर लेते हैं 120 है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पॉइंट से कुछ कर लेंगे, ठीक है, उन पॉइंट से हम दोनों वेक्टर का आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स जो एंगल जो होता है जैसे आपके पास कोई दो वेक्टर गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपसे कहा जाए उनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो बीच का एंगल 60 डिग्री डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी में यह एंगल भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी में फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में यह एंगल भी हो सकता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स प्लीज कीप इन माइंड ऑलवेज, आप लोग हमेशा इसको माइंड करेंगे कि कहीं भी, अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स में मेनी टाइम्स इस कॉन्सेप्ट को रिपीट भी करेंगे, कहीं भी आपको दो वेक्टर की वैल्यू और उन दो वेक्टर्स का आपको एंगल फाइंड आउट करना हो या एंगल लेना हो, ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल चूज करेंगे, ठीक है, एंगल आप हमेशा स्मॉलेस्ट चूज करेंगे। आपको कहीं पर दो वेक्टर गिवन हो, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल 120 है, ठीक है, 130 है, कुछ भी है एंड सो ऑन, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स यहाँ आप क्या करेंगे, एक पॉइंट सपोज करेंगे, इस पॉइंट से एक वेक्टर ऐसे सपोज करेंगे, एक वेक्टर ऐसे सपोज करेंगे, ठीक है, और यहाँ आप क्या करेंगे, यह वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम पॉइंट से ले लेंगे, सेम पॉइंट से, ठीक है, और आप हमेशा यह स्मॉलेस्ट एंगल इन दोनों वेक्टर्स का चूज करेंगे, आप इस एंगल को नहीं चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आप हमेशा किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल चूज करेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड्स और क्लियर हो जाएगा जब हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्मूथली और हमेशा के लिए रिमेम्बर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स इसीलिए हम आपको फोकस भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग न्यूमेरिकल्स
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें अपने हेल्पिंग बुक से उतना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एंगल ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में हमने आपको बताया कि हम हमेशा एंगल जो होता है वो शॉर्टेस्ट एंगल चूज करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल चूज करते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपकमिंग लेक्चर्स में, आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, और अपकमिंग लेक्चर्स में ये आपका इतना इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर था, ठीक है। अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में आपका हम लेकर के आएंगे कि आप वेक्टर्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं, और इन पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इन पर इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपका यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, आपके बहुत सारे वेक्टर्स अभी हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में इंक्लूड करेंगे और आपको बताएंगे, और यहाँ इसके जस्ट बाद डियर स्टूडेंट्स आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पार्ट हम कवर करेंगे। तो वन बाय वन हम आप लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू रहेंगे, तो आप लोग जो है यहाँ से वीडियोज को रिवाइज करें और कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है, और जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो उनको भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से सीखें, देखें, ठीक है, और ध्यान से इसको सुने, ठीक है। और इन अभी तो इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आपको सिखाए नहीं है, अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में अभी पहले इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आपके न्यूमेरिकल पोर्शन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो तब तक जो डियर स्टूडेंट्स मेहनत करते रहें, ठीक है, ध्यान से वीडियोज रिवाइज करें और अपने हेल्पिंग बुक्स की भी हेल्प लें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वहाँ से क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।